बारिश होती है हमारे खाने की जगह निपटाने की जगह। कानूनी हमारी पास होगी, वो कानूनी हमारी नहीं आई। बड़े लोग तो जी अपने महिला में सोए पड़े हैं, हम गरीब कभी दिन से कपड़ा इकट्ठा करते कभी दिन से। बहुत गरीब परिवार है, कहीं तो सुखी झोपड़ी में बैठे हैं, बिल्कुल बुरा हाल हो गया। नमस्कार, इस समय हम कैथलिक लघु सचिवालय में मौजूद हैं। लघु सचिवालय में तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये गांव टीक के ग्रामीण हैं, जहां इनकी जो कॉलोनियों की मांग को लेकर ये आज सचिवालय पहुंचे और डीसी मैडम से मिलने पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो ग्रामीण महिलाएँ हैं यहाँ पहुँची हैं। तो क्या कुछ इनकी मांग है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस बारे में हम बातचीत कर लेते हैं ग्रामीणों से। हमारा बुरा हाल हो रहा, बड़े लोग तो जी अपने महिला में सोए पड़े हैं, हम गरीब कभी दिन से कपड़ा इकट्ठा करते कभी दिन से। बारिश होती है, हमारे खाने की जगह नहीं, पकाने की जगह नहीं, बुरा हाल हो रहा जी हमारा। दोबारे सर्वे होने चाहिए हमारे झुग्गियों में बैठे इसलिए आए हैं भाई। जो कानूनी हमारी पास हुई थी वो कानूनी हमारी नहीं आई, जितने भी लोग हैं सारे झुग्गियों में बैठे हैं। हमारी कानूनी प्रार्थना, हमारी कानूनी आनी चाहिए दोबारे। नाम सारे के काट दिए, 175 नाम जो हो गए मर गए, ऐसे कानूनी नहीं आई हमारी। 185 कानूनी आई थी, जिनमें से 10 के नाम आए हैं, उसकी कोई बुराई नहीं हमारे को नाम आने की, वो भी आनी चाहिए। जो झुग्गियों में रह रहे हैं वो भी पास होनी चाहिए, अटके दोबारे पास होनी चाहिए अटके। ये मांग जो जिनका उसमें लिस्ट में नाम था उनका सर्वे में नाम पास होता था, लेकिन प्रशासन के जो कर्मचारी थे उन्होंने सिर्फ लिफा पोती करके हमने पता गांव में आए भी नहीं आए, वो किसी ग्रामीण को नहीं पता अभी लोग गांव में आए थे या नहीं आए थे। मात्र 10 लोगों का, 8 से 10 लोगों का नाम उसमें शामिल है, सर्वे के अंदर पास किया जिन्होंने, वो 10 लोग पात्र है, बिल्कुल पात्र है। हम सही का साथ देंगे, हम ये नहीं कहेंगे उन्हें क्यों आए, वो 10 लोग बिल्कुल पात्र है। लेकिन 170 नामों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो पात्र है, इन्होंने वह पात्र बना दिए हैं, लेकिन वो सारा जो इनकी कार्रवाई है प्रशासन की लापरवाही है। हम लोग ये चाहते हैं, पूरे आज ग्रामीण आए हैं मेरे साथ, हमें चाहते हैं जो सर्वे हुआ था वो दोबारा किया जाए, जिसमें बहुत गरीब परिवार है, कहीं तो झुग्गी झोपड़ी में बैठे हैं, बिल्कुल ही बारिश आती है तो वो लोग बड़े परेशान होते हैं। हमारे पास आते हैं गांव के लोगों के पास कि जी हमारी कॉलोनी ले आओ, हम जाओ जी प्रशासन के पास। प्रशासन ने कहा जी सर्वे चल रहा है जी, अब सर्वे का ही हाल हो रहा है जी, 170 नामों में सिर्फ 10 नाम पास हुए हैं। सर्वे तो जी लगभग 3-4 महीने हमारे सुनने में आया था, 3-4 महीने पहले ने सर्वे किया था, लगभग 6 महीने के अंदर ने सर्वे किया था। और सर्वे का मैंने जब डांट पीटी दफ्तर में बात करी जाएगा तो उसमें मेरे तो 7-8 नाम की लिस्ट दे दी, उनका भाई साहब ये आपके गांव नाम गांव के है जो ये पास हुई है। भाई साहब जी ये तो हमें खुद नहीं पता, उनने किस आधार पर सर्वे किया, क्योंकि जो 8-10 नाम थे वो बिल्कुल पात्र थे, बट जो इतने सारे आ रहे हैं ये भी पात्र लोग हैं सारे। तो हम ये नहीं कहते भी उनके नाम काटो, 8-10 हो गए, 8-10 पात्र है उनके भी लिखो, और जो इनमें से पात्र लोग हैं उनके भी साथ में जोड़ लो। हम डीसी महोदय मैडम से मिलने आए हैं, तो एक बहुत बड़ा इनका ये पूरा प्रशासन गिरोह है, ठीक है, जिनकी लाले थोड़ी बहुत कुछ बंदे की उसमें सेटिंग बताई गई थी, उन्हें पहले ही बताया था इन कॉलोनी पास है जी। तो हम तो सरकार से ही मांग करा भाई, प्रशासन मांग करते हैं कि वो सर्वे दोबारा किया जाए। हमारी सर्वे के बारे में मांग है जी, अच्छा जो पहले सर्वे हुए थे जी उसके बारे में बताना चाह रहे थे। किस चीज का सर्वे था? कॉलोनियों का सर्वे जी, तो कॉलोनी के बारे में कह रहे हैं जी। अच्छा, तो इसमें हमारी पूरी मांग है कि भी मांग सर्वे पास करो जी हमारे, हाँ जी दोबारा से जी।